हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज है दशहरा। आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दशहरे के लिए बैक साइड में देखिए रावण को कैसे तैयार किया गया है वो। चलिए गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दशहरा यहाँ पे कैसे मनाया जा रहा है। और सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे रामलीला कैसे चल रही है। उस रामलीला को देखें। आप हमें अपनी नाव में गंगा पार करवा दीजिए। जी बिल्कुल करवा देंगे, परंतु उससे पहले अपना परिचय देने की कृपा करें। मैं राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण और यह मेरी भार्या सीता। तो आप है राजा रामचंद्र, तो आज जय जयकार बना रहे। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चल सके। अरे ये कैसे हो सकता है? क्यों? अरे आपको पार कराए थे और स्वयं बीच मजर में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करी ना जब नाव नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा दान ना बनो कृपा निदान, इन चरण का बखान हम बहुत सुने हैं। इन्हीं चरण के रस से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमारी काट की नैया न जाने का से का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपको नाव में ना ही चढ़ाएंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एकाएक ही मार्ग है। क्या? यदि इन चरण के रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मलमलकर चरण रज धोएंगे, फिर उस चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ऊपर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पाँव रखने देंगे। बस सोच ले। अरे ओ पार्वतिया, ये सोचत है तब तक कटौता में गंगा जल भर ले आ। लावत है, अभी लावत है। भाई हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हम तो तुम्हारी तरह साधारण मानव हैं। देखकर अयोध्या का सिंहासन तुम्हारी राह देख रहा है। तुम
तुम्हारे राजा बनने के विचार से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिता की मौत के सदमे को शायद ये खुशी भुला दे। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा माते। शर्माती है मुझे तुम जैसी माँ पाकर। राम ने तुम्हें सबसे बढ़कर चाहा था और तुमने उसे ही वनवास में भेज दिया। पिताजी के मौत का कारण भी तुम ही हो। एक राक्षस भी ऐसी हीन हरकत नहीं कर सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। माँ नहीं डायन है, डायन। तुमने अपने पति और मेरे पिता के प्राण लिए हैं हत्यारे। मेरे समान इस संसार में दूजा कौन होगा जिसे विधाता ने तेरी कोख से पैदा किया। दूर हो जा मेरे सामने से, चली जा, दूर हो जा। अरे महारानी जी, सुना है भरत लल्ला आए हैं। हाँ आए हैं और तेरे लिए पुरस्कार है। राम मेरे प्रिय भाई, इस पाप की असली वजह मैं हूँ, मुझे माफ कर। भ्राताश्री, यही है वो औरत, इस षड्यंत्र की जड़। अब तो इन दोनों को मारकर ही हमें अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। भरत मुझे माफ कर दो। शत्रुघ्न, इनकी तरफ देखना भी राम के साथ धोखा करना है। जाने दो उन्हें। जो सिंहासन मेरे राम के लिए बना है मैं उस पर कभी नहीं बैठूंगा। भ्राताश्री, कृपया जल्दी अयोध्या चलिए। सिंहासन पे आपका ही अधिकार है। नहीं भरत, नहीं। क्यों नहीं भ्राताश्री? बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई सिंहासन पे बैठे यह असंभव है। भरत, मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन पिताश्री ने कह के माता को दिए हुए वचन का पालन करना भी तो धर्म है। भ्राताश्री, आप मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए। मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर रोज उनकी पूजा करूंगा। वनवास के 14 साल पूरे होने तक मैं अयोध्या का राज संभालूंगा। श्री राम के पादुकाओं को भक्तिभाव से अपने सर पे रखकर भरत ने राम के नाम का जाप करते वहाँ से प्रस्थान किया। भरत के मुख पर बस यही नाम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, जय श्री। तो तेरी शक्तियों का घमंड चूर चूर हो चुका होता। अपनी जिभा को लगाम दे। वो यहाँ क्या कर रही है? बोल क्या हुआ? मेरे प्रिय भ्राताश्री, उन मूर्ख मानवों ने मेरी नाक काट दी। बहनों, किसने तुम्हारी ये दशा की है? अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र वन में आए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक काट दी है। क्या सूर पड़खा, उन तपस्वियों ने तुम्हारी नाक नहीं काटी बल्कि मेरी नाक काट कर मुझे चुनौती दी है। जो भी हो, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। मैं उनसे इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा जिसे वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। भ्राताश्री, उन लोगों ने मेरी नाक काट दी, अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राम की सुंदर पत्नी सीता को लुभा के तुम उसका हरण कर लोगे। माया का आविष्कार अति सुंदर हो सकता है पर मुझे सत्य नहीं हो सकता। सीते कुछ भी हो, मुझे वो हिरण चाहिए। हाथ मत करो सीते, पता नहीं किस मायावी राक्षस ने यह कांड रचा है। मेरी इतनी छोटी सी मांग पूरी नहीं कर सकते, मुझे वो हिरण चाहिए बस। भ्राताश्री, भाभी की यही इच्छा है तो पूरी कर दीजिए ना। ठीक है, मैं लक्ष्मण, तुम सचेत रहकर सीता की रक्षा करना। जो सबके कष्ट हरते हैं। भैया संकट में तुमने पुकार लगे हो और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी,
भैया उस संकट में असंभव। जाओ देखो जाकर। इस समय धर्म ही मेरा है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व नछावर है मेरा अपने भैया की आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये व्याघ्र व्याल, फल चारों और घनेरा है, मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण, क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा फिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। आंखें ये फूट जाए मेरी यदि बद नजर करूं, हो नरकवास पाप का चिंतन नगर करूं, श्रद्धा है मन में आपको, जगदम्बे जान के चरणों को पूजता हूं, सुमित्रा के जान के, माँ मुझे तो बस आप ही की चिंता थी माँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरे इस धर्म की नैया का, हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम आज्ञा पालन को जाता, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराय अगर उन्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। जाओ देखो जाकर। अच्छा माँ मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना, इस रेखा टी में आएगा हैरान उसे इस लक्ष्मण की, तत्काल भस्म हो जाएगा। रहो पुत्री, अकेले हो। नहीं विशाल, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया। तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूं। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं। धन्य हो, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। मेरी पटरानी बनेगी। सावधान रावण, तुमने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है, तेरा सर्वनाश होगा। कहां की नीता, मेरा सामना कर कौन है मूर्ख?
मौत के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूँ, छोड़ दे इसे तुझ। पेड़ पौधों ये बताओ, देखा है सीते कहाँ हो तुम? ले गया है राक्षस, उठा ले गया। हाँ मैंने प्रयास किया पर तुमने मेरे लिए अपनी प्रार्थना करोगा तुम अवश्य के स्वर्ग में जाओगे। शबरी के पास जाना है। माता शबरी, मेरे राम प्रभु, आखिर आप आ ही गए। अपने भक्त की प्रतीक्षा का अंत करने के लिए आप आ ही गए। धन्य हो गए, मैं धन्य हो गया। प्रभु आपको भूख लगी होगी ना? परसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। हे दीन दयाल, आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वो सदा बनाए रखना। किसे ढूंढ रहे हैं? क्या इस वन में किसी शिकार की खोज में आए हैं? हाँ हाँ, हम एक दुष्ट को ढूंढ रहे हैं। कौन दुष्ट? वही जिसने मेरी भाभी माँ सीता का छल से हरण करने का दुस्साहस किया है। हम उसी का शिकार करना चाहते हैं। तब तो ये महाराज सुग्रीव के शत्रु नहीं है। पर आप लोग हैं कौन? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई श्री राम और मैं लक्ष्मण। हनुमान? हाँ प्रभु, क्षमा करें, मैं रही हूँ। प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार मैं इस मन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, पर आप दोनों राम किस कारण वर्ष जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पिता की आज्ञा से 14 वर्षों का वनवास भोग रहे थे और ये दुर्घटना हो गई। ये तो बड़ी विचित्र बात है। इधर बाली ने महाराज सुग्रीव की पत्नी जैसी है। आप एक दूसरे से पहले मैत्री कर लें। सुग्रीव इसी पहाड़ी पर है, चलो हम उनके पास चलते हैं। सुग्रीव, ये हमारे प्रभु श्री राम है और ये है उनके छोटे भाई लक्ष्मण। प्रणाम महाराज। सुग्रीव, हनुमान ने हमें तुम्हारा दुख बताया है। मुझे आपकी मदद चाहिए प्रभु। तुम्हारी पत्नी और राज्य जाओ सुग्रीव और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो। कौन हो तुम? तुमने चुप कर वार किया? तुमने अपने भाई की पत्नी और राज्य को छीन कर इससे भी बुरा काम किया बाली, तुम्हें तो दंड मिला। मैं तुम्हारे बेटे अंगद। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।